नमस्कार, मेरा नाम सुगंधा बावा है और मैं राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग ब्रांच में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं CDDM प्रथम वर्ष के विषय सरफेस ऑर्नामेंटेशन 1, जिसका विषय कोड CD 126 है, के प्रथम यूनिट फ्लैट स्टिचेस के अंतर्गत आने वाले रनिंग स्टिच और उसके तमाम वेरिएशन सिखा रही हूँ। पिछले लेक्चर्स में हम 7 वेरिएशन सीख चुके हैं व आज हम अगले 2 वेरिएशंस पैरेलल रनिंग स्टिच 1 एंड पैरेलल रनिंग स्टिच 2 सीखेंगे। पैरेलल रनिंग स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले हम रनिंग स्टिच की 2 समानांतर रेखाएं बना लेंगे। ये दोनों रेखाएं ना बहुत पास पास हो ना ही बहुत दूर। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका हमें खास ख्याल रखना है वो ये कि दूसरी लाइन के कच्चे टाँके पहले लाइन के कच्चे टाँकों के बिल्कुल नीचे आने चाहिए। ऐसा न करने पर पैरेलल रनिंग स्टिच अच्छा नहीं बनेगा। दोनों लाइनर्स बना लेने के बाद हम दूसरे रंग का धागा लेकर पहले स्टिच के पास में सुई निकालेंगे। उसके बाद दोनों स्टिचेस को लेते हुए कपड़े को ना लेकर सिर्फ स्टिचेस के अंदर से धागा निकालेंगे। फिर धागा हमारा नीचे है, हम उसी पोजीशन में दोनों स्टिच को लेते हुए फिर से नीचे से धागा निकालेंगे। अब धागा हमारा ऊपर आ गया है, फिर से दोनों स्टिचेस लेंगे और ऊपर से सुई नीचे की तरफ निकालेंगे। इसी तरह से हम सारे स्टिचेस बनाते रहेंगे। मेरे पास टैपेस्ट्री नीडल नहीं है, इसलिए मैं सुई की बैक साइड से, जैसा मैंने पहले बताया था, बैक साइड से टांकों के अंदर से सुई गुजार रही हूँ। आगे का हिस्सा शार्प होता है तो उसके कारण टांकों का धागा आने का खतरा रहता है, तो इसलिए हम इसी तरह से, और ये है हमारा फाइनल स्टिच कंप्लीट होने के बाद पैरेलल रनिंग स्टिच 1। और हम अब अपना दूसरा रनिंग स्टिच का वेरिएशन पैरेलल रनिंग स्टिच 2, जिसे ट्विस्टेड पैरेलल रनिंग स्टिच भी कहते हैं, बनाते हैं। पहला प्रोसीजर सेम रहेगा जैसा हमारा 1 में था। उसके बाद हम पहले टांके के नीचे से सुई निकालेंगे इस तरह से और खींच लेंगे। धागा बहुत लूज नहीं रखना है, बहुत टाइट भी नहीं रखना है। दोबारा से दोनों स्टिचेस में से ऊपर से सुई निकाली और जो अभी टांका बना है पहले स्टिच का, पहले टांके के अंदर से इस तरह से सुई निकालेंगे। थोड़ा सा लूज रखेंगे, धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है। दोबारा से देख लीजिए, रूल हमारा वही रहेगा, कपड़े को पेनेट्रेट नहीं करना है, कपड़े के अंदर सुई को नहीं डालना है, सिर्फ टांकों में से निकालते हुए, और ये जो स्टिच है यहाँ से हम सुई निकालेंगे और खींच लेंगे। इसी तरह से थोड़ा सा लूज रखते हुए, अगर आप चाहें कि ये लूप दिखे तो इसको थोड़ा सा और लूज रखिए। इस तरह से हमारा ट्विस्टेड पैरेलल रनिंग स्टिच, जिसे पैरेलल रनिंग स्टिच 2 भी कहते हैं, बनता जाएगा। ये ध्यान रखिए सुई यहाँ से ही निकालें। कई स्टूडेंट्स यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं या निकाल देते हैं तो गलत हो जाता है और टांका नहीं बनेगा अगर आप यहाँ से नहीं निकालना है। यहाँ से निकालेंगे सुई और हल्का सा खींच लेंगे। ये हमारा फाइनल लुक है, इस तरह से दिखेगा। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के दोनों वेरिएशंस। आशा करती हूँ कि आप इस खूबसूरत हस्तकला को सीख रहे होंगे। अभ्यास करते रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।